झंडा ले आए भाई ये माता जी का घर तैयार होते हुए। नूनो कह रही भाई इंडिया ही जीतता है और ये नवरात्रों के लिए पंडाल लग रहा है। ये हमारी इंडियन कल्चर की ब्यूटी है। जीत गया भाई इंडिया। ये देखिए गाइस, ये हमारी तैयारी हो रही है माता रानी का दरबार सजाने की। नमस्ते जी, नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो भाई मैं निकल गया हूँ कॉलेज के लिए। आज सैटरडे है, सैटरडे में क्लास लगी है हमारी। भाई कॉलेज आ गए हैं गाइस। ये रहा अपना ब्लॉक, ब्लॉक टू। 2 बजे तक क्लास है अपनी। हेलो गाइस, आज अमावस्या है तो आज सब मित्रों का खाना निकलेगा और आज मैंने बनाई खीर। फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ ये मेरी खीर है। मैंने पहली बार खीर बनाई है, देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, खा के देखेंगे कैसी लगेगी। आज हमारे यहाँ माता आएंगी, आपको पूरा दिखाएंगे। तो अभी हम करने जा रहे हैं अपने पितरों के लिए दान। सब में से ले लो थोड़ा थोड़ा टुकड़ा, सारी रोटियों में से थोड़ा थोड़ा टुकड़ा ले लो और सब सब्जी और ये सब लगा लो। अब ये सब खीर और दाल में लगा लेना। अपने पूर्वजों का नाम लो और घुमा के इसमें डाल लो। अपने पूर्वजों का नाम लो कि सबको अर्पित है। अभी पानी गमले में दे दो। ये देखिए गाइस, ये हमारी तैयारी हो रही है माता रानी का दरबार सजाने की। अभी हम आपको दिखाते रहेंगे बीच बीच में। देखो पापा सजा वो कर रहे हैं, इसको तैयार कर रहे हैं, दरबार बनाएंगे। और ये हमारा माता जी का घर तैयार होते हुए, दरबार तैयार होते हुए और ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। काफी अच्छा लग रहा है। अभी लाइट वो लगेगी इसमें, अभी लेके आता हूँ मैं लाइट। सब मम्मा और पापा डेकोरेशन कर रहे हैं और यह दरबार ऑलमोस्ट पूरा रेडी हो चुका है। इसमें अभी हमने लड़िया भी लगा दी है और मालाएं भी लगा दी है और इसको फाइनल करते हुए हरी पत्तियां भी लगा करके इसको थोड़ा ग्रीन करेंगे। जब कंप्लीट होता है तो फिर हम दोबारा इसको शेयर करेंगे। ये हमारा मंदिर तैयार हो चुका है, हमारी माता रानी का दरबार। आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। ये हमने खुद तैयार किया है। अभी हम माता रानी लेने जाएंगे, माता रानी को यहाँ पे विराजमान करेंगे। हमने लाइट्स लगाएंगे अंदर भी। क्लास इज ओवर, अब मैं जा रहा हूँ घर। भाई लास्ट वाली क्लास तो कैंसिल ही हो गई। सैटरडे को ऐसे ही होता है भाई, सैटरडे में कोई बुला तो लेते हैं लेकिन क्लास करते हैं नहीं। पहुँच गए हैं भाई, ऐसे ही होता है भाई, सैटरडे में क्लास कर तो देते हैं लेकिन भाई आता टीचर कोई है नहीं। सब बोलेंगे अटेंडेंस लग गई, जाओ। सैटरडे वेस्ट कर दिया बिल्कुल, हर बार ऐसे ही करते हैं भाई। हेलो, अरे वाह डेकोरेशन हो गई यहाँ पे तो। ओ वाओ, आज तो कंटेंट मिल गया गाइस। लो भाई आते ही आ गया खाना, खाना बनना था। तो भाई आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, शायद नीचे स्क्रीन लगी होगी तो देख के आते हैं। हाँ भाई नीचे वो लगी है स्क्रीन, तो चलो भाई नीचे जाके देख के आते हैं। नोनू कह रही भाई इंडिया ही जीतता है, चलो नोनू और मैं जा रहे हैं भाई नीचे। और अभी हो रही है धूप, वो लगी सामने स्क्रीन। तो भाई पाकिस्तान की बैटिंग चल रही, पाकिस्तान के 75 पे 2 आउट हो गए और ये नवरात्रों के लिए पंडाल लग रहा है। तो भाई यहाँ पे बैठ गए हम छाँव में, कैसा लग रहा है आपको मैच? अच्छा लग रहा है, नोनू को अच्छा लग रहा है भाई। वो उधर चल रहा है सामने, जूम करके दिखाता हूँ भाई, ये चल रहा है सामने मैच। चले आओ। तो भाई जा रहे हैं, अभी तो धूप हो रही है यहाँ, शाम को आएंगे जब इंडिया खेल रहा होगा। हे गाइस, यहाँ पे पूरा लगा हुआ है रात्रि का। इसको देख के मेरे को एक गाना याद आ रहा है, मैं तो नहीं हूँ इंसान, अपने भाव होते हैं, कण कण में भगवान है। बहुत सुंदर लग रहा है, ये हमारी इंडियन कल्चर की ब्यूटी है। वाओ बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। आगे तक मैं आपको दिखाती हूँ। पाकिस्तान का एक और विकेट, 6 विकेट हो गए भाई पाकिस्तान के 168 रन पे। करने आए हो पिज़्ज़ा खाने? कहाँ पे आए हैं हम आज? पिज़्ज़ा कहाँ?
पिज्ज़ा हटाएं आज थोड़ा सा डोमिनोज से हमने ब्रेक लिया है और हम आए हैं पिज्ज़ा हट पे। ये आप लोग क्या खाने वाले हो अभी? कॉटन कैंडी। कैसी कैसी कॉटन कैंडी है ये? ओह, अनिका के लिए पिंक, नोनो के लिए ब्लू। नौ विकेट हो चुके हैं भाई पाकिस्तान के, एक बचा है। अच्छा अक्षिका को देखो, इससे ना रोटी नहीं खाई जाती अपने आप से, इसे कुछ भी अपने आप से नहीं खाया जाता, लेकिन पिज्जा ये ऐसे खाती है ना जैसे इसको बहुत कुछ आता है। अक्षिका रोटी खाई जाती है आपसे? चावल भी नहीं खाया जाता अपने आप से? अपने आप से तो नहीं खाती, और पिज्जा खाया जाता है? खा तो रही है, ड्रिंक भी चाहिए इसको पिज्जा के साथ, बिना ड्रिंक्स के इसका काम नहीं चलता। जरूर गाइस, संजय माई आ चुकी हैं, आइए। और ये सजावट पहले से ही हो के रखी है यहाँ पे। वाओ, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये क्या ले आई? बंदर। कल से पूजा है, कल है भाई पहला नवरात्र। तो भाई नीचे देख के आते हैं, नीचे कैसा माहौल बन रहा है भाई, भीड़ हो रही होगी। अब इंडिया बैटिंग कर रहा है, 110 पे दो विकेट, 15 ओवर हो चुके हैं। ये देखो भाई कितनी भीड़ हो रही है, ये देखो गाइस कितने लोग खड़े हैं, पूरी भीड़ हो रही है, आधे आगे बैठे हैं, सब कुछ पीछे खड़े हैं, और मैच चल रहा है सामने स्क्रीन पे। भाई अमित शाह जी आए हुए हैं मैच देखने, और ये रोहित शर्मा का सिक्स। झंडा ले आए भाई, ये भाई रोहित शर्मा का विकेट हो गया भाई। अब चाहिए 20 रन 22 ओवर में भाई, 10 रन चाहिए बस। छह रन चाहिए भाई। जीत गया भाई इंडिया। ये देखो भाई बच्चे कैसे नाच रहे। भाई आ गए घर। तो भाई चलो इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं ख़त्म। आप लाइक करके और कमेंट करके और सब्सक्राइब करके चैनल को ये बता देना कि आपको ये वाला व्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर कल के व्लॉग में। टाटा बाय बाय।